सलमान खान को 5 साल की सजा, जोधपुर जेल में आसाराम होंगे सलमान के पड़ोसी, खाली कराए गए 2 बैरक। सलमान खान जेल, ब्लैक बक पोचिंग केस वर्डिक्ट। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान को सेंट्रल जेल की बैरक नंबर 1 में रखा जाएगा, जबकि आसाराम इसी जेल के बैरक नंबर 2 में बंद है। खबर है कि जोधपुर सेंट्रल जेल का बैरक नंबर 1 और 2 खाली करा लिया गया है। काला हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान को जोधपुर कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने सलमान खान को जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया है। सलमान खान को जोधपुर सेंट्रल में ही रखा जाएगा। इस जेल में सलमान खान के पड़ोसी होंगे यौन शोषण के आरोपी आसाराम। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान को सेंट्रल जेल की बैरक नंबर 1 में रखा जाएगा। इसके अलावा राजस्थान के राजसमंद में पिछले साल दिसंबर में एक मुस्लिम शख्स की हत्या के आरोपी शंभूलाल गैगर भी इसी जेल में बंद है, जबकि आसाराम इसी जेल के बैरक नंबर 2 में बंद है। खबर है कि जोधपुर सेंट्रल जेल का बैरक नंबर 1 और 2 खाली करा लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस बैरक में सलमान खान को रखा जाएगा वहां की सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जेल के बाहर बड़ी संख्या में सलमान खान के फैंस पहुंचे थे। बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने इस साल जनवरी में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। इस लिहाज से जोधपुर पुलिस सलमान खान की सुरक्षा को लेकर सतर्क है। अगर सलमान कहते हैं कि वे अकेले रहना चाहते हैं, जो जेल प्रशासन इस पर विचार कर सकता है। जोधपुर सेंट्रल जेल में सलमान खान का मेडिकल टेस्ट करवाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान की जमानत के लिए उनके वकील सेशन कोर्ट में अर्जी लगा चुके हैं। इस पर अब शुक्रवार सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। सलमान खान को आज रात जोधपुर सेंट्रल जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। बता दें कि जोधपुर की एक अदालत ने गुरुवार 5 अप्रैल को अभिनेता सलमान खान को वर्ष 1998 के काला हिरण शिकार मामले में दोषी करार दिया है, जबकि इस मामले के अन्य 4 आरोपी बॉलीवुड सितारों सैफ अली खान, तबू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी कर दिया गया है। इस मामले की सुनवाई पिछले 19 सालों से चल रही थी और यहां की अदालत ने 28 मार्च को अंतिम बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने 52 साल के सलमान खान को फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान कंकणी गांव के भगोदा की धाणी में 2 काले हिरणों को मारने का दोषी पाया है।